राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे गोपू फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए एक वूलन पोंचो, जो कि मैं इस ग्रीन कलर की और येलो कलर की वूलन से बनाऊंगी। इसे मैं क्रोशिया से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाना है चेन। इस तरह से हम बल लेके फंदे के अंदर से क्रोशिए को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम 30 चेन बना लेंगे। तो ये बनाने में बहुत ही इजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाना आता है तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, हम 30 चेन बना लेंगे। तो हम इसे अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको सही से नाप नहीं आ रहा है तो आप चेन बना के ठीक है, इस तरह से चेन बना के और आप उन्हें गले में डाल के देख सकती हैं कि उन्हें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मैं ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो मैं 30 चेन बनाऊंगी। तो अब ये देखिए 30 चेन बन गई है। अब मैं इसमें से इस तरह से क्रोशिए को डाल के इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लूँगी। तो देखिए, मैंने ये जोड़ लिया है। आप इसी तरह से ये जो रिंग एक रिंग के जैसा बन गया है, इसे आप लड्डू गोपाल जी के गले में डाल के देख सकते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अब हम प्रत्येक चेन में, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनता है। इस तरह से हम बल लेंगे और चेन के अंदर इस तरह से डाल के और क्रोशी की सहायता से बाहर निकाल के, 3 हो गए फंदे, 3 का 2 और 2 का 1। तो ये हो गया डबल क्रोशिया। इस तरह से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से डाला, बाहर निकाला, 3 का 2 2 का 1। देखिए इस तरह से डाला, 3 का 2 2 का 1। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस तरह से हम इसको बल्ले के अंदर डालेंगे, 3 का 2 2 का 1। देखिए ये, इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। पूरे चैन में हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, तो इसको हम स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बने। अब हम इनको इस तरह से करके और हाफ हाफ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, हाफ हाफ पे कुछ मार्क लगा लेंगे। तो चाहे तो हम कुछ कलर भी लगा सकते हैं या धागा। तो मैंने ये ग्रीन कलर की वूलन के 2 छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं। तो इन्हें मैं देखिए इस तरह से लगा दूंगी, एक इस तरफ और जस्ट इसके हाफ में एक दूसरी तरफ। तो ये हमारा मार्क का काम करेगा। अब हम फिर से अपना फंदा ले लेते हैं क्रोशिया में। अब हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से जो चेन के ऊपर ये जो हमें खाली हिस्सा दिखता है, इसमें डाल के और डबल क्रोशिया। इस तरह से बल ले लिया हमने, देखिए, और इसमें जो खाली ये जगह दिख रही है, यहाँ से हम 3 फंदे हो गए, 3 का 2 और 2 का 1। जब तक हम ग्रीन कलर की मार्क तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम इसी तरह से बुनते रहेंगे। देखिए हम आ गए हैं। अब हम
इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे। अब इसमें हम एक साथ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया। अभी हम एक एक बना रहे थे, अब हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारे दो डबल क्रोशिया बन गए। अब फिर उसी तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया पूरा यहाँ ग्रीन मार्क तक बना लेंगे हर चेन में। तो देखिए मैंने बना लिया है, अब हम दूसरे वाले ग्रीन मार्क तक आ गए हैं। अब इसमें भी हम एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक और ये दो। देखिए दो डबल क्रोशिया बन गए। अब फिर से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हर चेन में, देखिए ये दिख रहा है ऊपर चेन दिख रही है, जो इसके नीचे से जो जस्ट खाली जगह है उसमें हम इस तरह से बल लेके और यहाँ से डाल के 3 का 2, 2 का 1, इस तरह से हम डबल क्रोशिया पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हम आखिर में आ गए हैं, तो जहाँ हमने एक चेन ली थी उसके अंदर हम बिना बल लिए डालेंगे इस तरह से, और इसको फंदे को, दो फंदे हो गए, और उसी दूसरे फंदे को इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे, तो ये स्लिप स्टिच से जुड़ जाता है। अब हम जहाँ तक ये ग्रीन ऊन लगी हुई है हमारी, अब देखिए एक चेन बनाएंगे, उसके बाद हर सिंगल एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में बनाएंगे। तो जहाँ तक हमारी ग्रीन ऊन लगी हुई है वहाँ तक हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ तक, देखिए हमारे बन गए हैं। अब जो हमने ये दो डबल क्रोशिया लिए थे एक ही चेन में, उनके जस्ट बीच से हम डालेंगे और अब 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम एक ही चेन में। 4 डबल क्रोशिया, देखिए हमने दो के बीच से डाला है, अब हम एक ही चेन में 4 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो देखिए बन गए हैं। अब हम सारे चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सारी चेन में। देखिए वो जहाँ तक ग्रीन मार्क आ गया है, देखिए अब इसमें हम फिर से दूसरा वाला ग्रीन मार्क जो आ गया उसमें हम फिर से दोनों के बीच से डाल के वो 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। इस तरह 4 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब हम लास्ट में हमने ये स्लिप स्टिच से ऐड कर दिया। देखिए हमने ये भूल गए थे हम, यहाँ पे हमने अब ये फिर से ग्रीन मार्क के ऊपर आ गए हैं, तो हम उन 4 जो डबल क्रोशिया हैं उसके जस्ट बीच से डाल के और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम, आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ ये 4 डबल क्रोशिया हैं वहाँ जब हम आएंगे तो उसके जस्ट बीच से हम 4 डबल क्रोशिया डाल के बनाएंगे। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो इसको हम स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, तो हमने ये जोड़ लिया, सिंगल चेन बना ली। देखिए अब ये हम इसको, ये ग्रीन मार्क हम अपने निकाल देते हैं। देखिए अब ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब इसमें हम इसकी 2 रो और अभी कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। तो जो जहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके जस्ट बीच से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी हमें सिंपल डबल डबल क्रोशिया बनाना है हर चेन में। तो हम 2 रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने 2 रो कंप्लीट कर ली हैं, अब हमारा ये इतना बन गया, अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम ऊन कट कर लेंगे इस तरह से, हम ऐसे चेन बना के और इसको कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे बुलन को। देखिए और अब इसको इस तरह से खींच लेंगे, तो ये हो गया है। अब इसमें हम ग्रीन वाली ऊन लगाएंगे और इसको नीचे एक आउटलाइन देंगे। तो देखिए हम आउटलाइन कैसे करनी है,
इस तरह से हम इसमें क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये फंदा ले लिया इसमें से। अब इन दोनों को हम दोनों बुलन को गांठ लगा देंगे, हम इसमें नॉट लगा देंगे और इसको पक्का कर देंगे इस तरह से। अब ये क्रोशिया, अब फंदे को क्रोशिया में ले लेंगे अब इस तरह से। अब देखिए हमें कैसे बनाना है। तो हमने बल लिया, उसके बाद उसी चेन में एक फिर दो, हम निकालेंगे नहीं एक साथ। फिर उसके बाद ये देखिए हम निकालेंगे नहीं, और ये वाली बुलन को दोनों को हम साथ में ले लेंगे और तीन तीन ले लिए। अब सबको एक साथ एक ही बार में निकालना है, सबको एक साथ एक ही बार में निकाल के, और इस तरह से देखिए ये आ गया। इसी तरह से करना, देखिए हमने ये चार बना लिए। देखिए इस तरह से बल लेंगे एक दो उसी चेन में तीन, तीन हो गए। अब इसके बाद हम सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे और एक बार बना लेंगे। देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ गई, ये पूरे में कर ले। देखिए हमने पूरे में कर लिया था। अब हम गले पे डिज़ाइन बनाएंगे ग्रीन कलर की बुलन से। तो देखिए हमें किस तरह से बनानी है। तो हम ये हरे कलर की ऊन ले लेंगे, देखिए ये जो हमारे ये चेन जा रही हैं इसके हम किनारे से जस्ट बीच से डाल के और ऊपर की तरफ। तो देखिए ऐसे हमने ये फंदा बना लिया, ऐसे एक चेन बना ली। अब हम इस वाली जो किनार ये टुकड़ा है वुलन का, इसको हम दबाए रहेंगे टाइट हाथों से। अब उसके बाद देखिए इसको जो ये बीच का हिस्सा जा रहा है यहाँ से डाल के ऊपर की तरफ क्रोशिया निकालना है। एक हो गया और सभी को एक साथ निकाल देना है। तो ये हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। अगर हम बल नहीं लेते हैं तो सिंगल क्रोशिया कहलाता है, लेकिन हमने बल लिया है तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से हम सारी चेन में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से बीच में डाल के ये जगह दिख रही है, और ऊपर से क्रोशिया निकाल लेंगे देखिए ऐसे, और इसको फिर एक साथ निकाल देंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। एक बार और देख लेते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे। तो हम इसी तरह से सारी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से सारी रो देखिए फ्रेंड्स हमने ये बना लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल और कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसे आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर सेट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से और तुरंत मिल सकें। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।